गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। आज आए हुए हैं हम यमुना नदी के तट पर, यानी कि चिनकी घाट, नरसिंहपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर के समथिंग में घाट होगा। तो जो सावन मास में जो बेलपत्रियाँ चढ़ाते हैं हमारी मम्मी, तो उनको यहाँ पर हम नर्मदा जी में ठंडा करने के लिए आए थे। और क्या देखा आज हमने, आपको दिखाते हैं। नर्मदा नदी में इतनी तगड़ी वाली बाढ़ हो रखी है भाई, इतना ज़्यादा पानी। जो हमारे पास में है बरगी डैम, तो उसके तकरीबन 15 गेट खुले हुए हैं। 3-4 दिन हो गया आज 15 गेट ओपन किए गए हैं, क्योंकि बांध में पानी की जो क्षमता थी वो ज़्यादा हो रही थी, तो इस कारण से गेट खोले गए हैं। और तगड़ी वाली बाढ़ आ रखी है नर्मदा नदी में, तो आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हो आप मेरे सामने भाई, वहाँ पर हम बीच में नहाने जाते थे गर्मी के टाइम में। तो आज देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा इधर तक आ गया है, ये देख सकते हो। तो वहाँ पर खड़ी हुई है हमारी बाइक, और थोड़ा नीचे चलकर भी आपको दिखाता हूँ कि कैसा क्या माहौल हो रखा है। तो अभी दोपहर का तकरीबन 3 बज रहा है, और 3 बजे बहुत ही तगड़ी वाली धूप हो रखी है। मौसम भी बहुत ही खुला खुला है। अभी थोड़ी देर बाद रिमझिम बारिश हो रही थी, और सामने देख सकते हो पहाड़ों का क्या ही व्यू दिख रहा है भाई, बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है। और ये देख सकते हो भाई पानी कहाँ तक लग गया है, ये बहुत ही ज़्यादा पानी है। जो सामने से मोबाइल में आपको उतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे में बहुत ही क्लियरली मुझे साफ दिख रहा है भाई, बहुत ही तगड़ी वाली। अभी यहाँ पर बेलपत्री जो हमने थोड़ी सी थी, तो वहाँ पर लाकर ठंडा कर दिया है। तो और देख सकते हो मेरे पीछे लोग, आप लोग, इतना भयंकर पानी आ रहा है भाई, और कितनी ज़्यादा लहरें उठ रही हैं, और जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। देख सकते हो अभी मैं तकरीबन यहाँ पर 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, और आप लोग देख सकते हो यार कितना ज़्यादा पानी है, पानी पानी, ये देख सकते हो यार क्या ही भयंकर वाला जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो ये बरगी बांध के जो गेट खुले हैं उनका जलस्तर है, देख सकते हो मेरे पीछे।